जय शनिदेव। श्री शनि पुराण साहित्य को ऑडियो रूप में श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं को श्री शनि पुराण की लेखिका, वाचिका, एस्ट्रोलॉजर, शनि शादिका डॉक्टर विभा श्री का नमस्कार है। अपनी इस ग्रंथ रचना को स्वयं वाचन करके आपको सुनाने में मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। आपने इस ज्ञान के श्रवण हेतु जो अपना दुर्लभ समय दिया है, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। इसके अंतर्गत आज हम भाग 7 की बात करेंगे। तो आज सबसे पहले शनि प्रकोप की पहचान, कैसे जानेंगे कि हमारे जीवन में शनि की पीड़ा चल रही है। शनि की पीड़ा को जानने के कई प्रकार हैं। शनिदेव जो कोर्ट कचहरी के स्वामी हैं, यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कोर्ट कचहरी चल रही है, मुकदमा चल रहा है, किसी प्रकार का सरकारी गैर सरकारी पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय कोई भी केस यदि चालू है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि हमारे ऊपर शनि का प्रकोप चल रहा है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा लांछन लग गया है कि अपराध नहीं किया था पर उसे अपराधी बना दिया गया, वह व्यक्ति निर्दोष था पर उसे दोषी ठहराया गया, तो समझ जाइए कि उस पर शनि का प्रकोप चल रहा है। यदि किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो किसी एक्सरे में, किसी भी सोनोग्राफी में आती ही नहीं, डॉक्टर की भाषा में हम कह सकते हैं कि वह नॉर्मल है, पर वह व्यक्ति फिजिकली उस तकलीफ से बहुत ही परेशान है, तो समझ जाइए वह शनि रोग है, शनि का प्रकोप चल रहा है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी बंटवारे के समय, उसके हक के पाने के समय में उसके साथ अन्याय होता है, हर बार कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है कि अन्याय का सामना करना पड़ता है, न्याय उसके साथ नहीं हो पाता, न्याय उसे नहीं मिल पाता, तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति पर शनि का प्रकोप चल रहा है। यदि उसके जीवन में बार बार कोई घटना, दुर्घटना होती है और हर बार 2.5 से 3 साल के अंदर कोई बड़ा नुकसान उसका होता रहता है, तो समझ जाइए कि उसके जीवन में शनि का प्रकोप चल रहा है। शनिदेव जी जो पूर्व जन्मकृत खाता खोलते हैं, हमारे प्रारब्ध के कर्मों का दंड हमें शनिदेव की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, शनि की 7.5 और ढैये के समय में, उनकी गोचर परिक्रमा के समय में हमें भोगना पड़ता है, कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है, उस समय हमारे साथ ऐसी घटना होना स्वाभाविक होता है। तब हम कहते हैं कि हमें वर्तमान में शनिदेव की पीड़ा चल रही है। शनिदेव के संबंध में बहुत सारी ऐसी ही पहचान है जिससे हमें पता चलता है कि शनि की पीड़ा को हमने पहचान लिया है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में हर कार्य असफल 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 ही होता है, सफलता उसके हाथ आती ही नहीं, तो समझ जाइए कि वह शनि की पीड़ा से प्रभावित हो रहा है। कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत संतों के जैसा जीवन जीता है, बहुत अच्छा करता है, बहुत नेकियां करता है, बहुत अच्छा इंसान है, अपने जीवन में कभी भी उसने किसी का बुरा नहीं चाहा, बुरा नहीं किया, उसके बावजूद भी उसके साथ उसके जीवन में कभी भी अच्छा नहीं हुआ, हमेशा लोगों ने उसे यातनाएं दी,
और हमेशा लोगों ने उसको अपमानित किया, तो ये समझ जाइए कि पूर्वार्ध के अनुसार वर्तमान समय की उस कर्म भूमि पर वर्तमान समय में यहाँ पर उसे शनि प्रकोप चल रहा है। तब हम देखते हैं कि शनि के प्रकोप को पहचानने के बाद हमें करना क्या चाहिए, हम ऐसा क्या करें जो शनि के प्रकोप की पहचान होने के बाद में हम न्याय भी प्राप्त करें और हमारी बहुत सारी समस्याएं मिट जाएं। शनि के प्रकोप को तो शनि देव ही शांत कर सकते हैं, और शनि के प्रकोप की शांति के लिए सबसे पहले है प्रायश्चित विधान, क्षमा याचना। शनि के प्रकोप की शांति के लिए सबसे पहले है पिछले जन्म के कर्मों के दंड से मुक्ति पाने का प्रयास करना। यदि किसी व्यक्ति की जिंदगी में कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो उसे अपना बनकर बहुत प्यार देकर, बहुत साथ देकर और बाद में उसे धोखा देकर जाता है, कहीं किसी व्यक्ति के बड़े पैमाने पर धन का फंस जाना, कहीं ऐसी मुसीबत में फंस जाना जिसे न छोड़ते बनता है न निभाते बनता है, ये सब शनि की पीड़ा का उदाहरण है। वह व्यक्ति जो आज हमें तकलीफ दे रहा होता है, निश्चित रूप से पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं उसका लेना देना हमारे साथ में बाकी रहा होता है, तभी वह जीवन के इस मोड़ पर हमारे जीवन में प्रवेश करता है और किसी न किसी रिश्ते के बहाने से, किसी न किसी कारण से वह हमें धोखा देकर जाता है और हमारी वेदना का कारण बनता है। इसीलिए हमें सबसे पहले प्रतिदिन की आराधना में, हम जिस किसी भी भगवान की आराधना करते हों, उस किसी की आराधना में हमें एक प्रार्थना शामिल करनी होगी। उस प्रार्थना में हमें यह कहना होगा कि मैं नहीं जानती कि मेरे पूर्व जन्म में मैंने क्या किया था, किसको कष्ट दिया था, कौन सा पाप किया था, कौन सा अपराध किया था, पर आज हम इस जन्म में अपना प्रायश्चित करने को तैयार हैं। जिस पाप के नाम से, जिस गलती के नाम से, जिस अपराध के नाम से, जो भी मेरा प्रारब्ध है उसके भोग कर्म के नाम से मुझे जो ये बार बार तकलीफें हो रही हैं, उन सारी तकलीफ़ों से मुक्ति पाने के लिए मुझे मार्ग दीजिए और मैं सबका प्रायश्चित कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ऐसी भावना करें। अब प्रायश्चित विधान क्या कहता है? प्रायश्चित विधान में सबसे पहले तो ये सारी बातें जो सुकर्म और सदमार्ग में आती हैं उन्हें हम धारण करें, कि हम संकल्प लें कि इस जीवन में किसी का भी हम उधारी लेकर कभी भी नहीं देने की बात नहीं सोचेंगे। जल्दी से जल्दी हम देकर ऋण से मुक्त हो जाएंगे। हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम किसी को भी बुरा भला नहीं कहेंगे। हम किसी की भी निंदा नहीं करेंगे। हम किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम किसी का भी बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं करेंगे, किसी के अधिकार नहीं छीनेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। जो सब हम भोग रहे होते हैं, जो सब हमारे साथ हो रहा होता है, हम प्रार्थना करें ये हम किसी के साथ खुद तो कभी नहीं करेंगे। और इतना ही सोचने से आपको मार्ग मिलना आरंभ हो जाएगा। इसके अलावा अब प्रायश्चित विधान में सबसे बड़ा नियम है कि हम कितनी देर के लिए मौन प्रार्थना करते हैं। हमें नियम बनाना होगा, हम प्रतिदिन 2 घंटे का मौन धारण करें। किसी एक संकट की प्रार्थना के लिए, एक समस्या के समाधान के लिए एक बार ही संकल्प उठाएं। जब तक वो संकल्प हमारा पूरा नहीं हो जाता, हमारा प्रायश्चित विधान जारी रखना चाहिए। हमें एक बार में 4 संकट से मुक्ति की कामना कभी नहीं करना चाहिए। प्रायश्चित विधान में मौन प्रार्थना सबसे बड़ा प्रयोजन उपाय माना गया है। तो हमें नियम बनाना चाहिए कि प्रातः सोकर उठते ही हमें 2 घंटे किसी से भी, कितना भी आवश्यक क्यों न हो, बात नहीं करनी है। हम 2 घंटे तक का मौन रखें
और उस 2 घंटे के मौन में सिर्फ भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमने मौन इसलिए रखा है कि हम पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के दंड से मुक्त होना चाहते हैं। हमारे साथ में जो भी शनि पीड़ा चल रही है, जिसे हमने पहचान लिया है, हम उससे मुक्त होना चाहते हैं। अब आपने मान लीजिए कोई एक प्रार्थना की है कि किसी कोर्ट कचहरी के मामले से या किसी शारीरिक पीड़ा के कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं, तो जब तक वो तकलीफ खत्म नहीं हो जाती, तब तक उस अवधि तक प्रतिदिन आपको यह मौन धारण करते रहना होगा, क्योंकि लगे हुए दाग को छुड़ाने में लंबा समय लगता है। जब तक हमें घिसना पड़ता है, दाग मिटाने की कोशिश करनी पड़ती है, जब तक बहुत पुराना वह दाग छूट न जाए। एक दिन में दाग के निशान नहीं निकल जाते। पत्थर पर रस्सी तब तक रगड़ी जाती है जब तक रस्सी के रगड़ के निशान नहीं आ जाते। बार 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 जब कुएं से जल निकाला जाता है, तो हजार बार कुएं से पत्थर पर रस्सी की रगड़ आती है और एक बार ऐसा होता है कि उस पत्थर पर रस्सी के रगड़ के निशान बन जाते हैं। इस प्रकार से आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उपाय जारी रखना चाहिए। मौन का नियम हम कई प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो ये कि हम प्रतिदिन 2 घंटे का मौन रखें। दूसरा नियम यह भी कर सकते हैं कि भोजन के समय, किसी चीज़ के पीने के समय में हम मौन का पालन करें और बिल्कुल भी बात ना करें। इस तरीके से यह उपाय प्रायश्चित विधान। प्रायश्चित विधान के अंतर्गत हम देखते हैं कि तेल में यदि हम अपना चेहरा देखकर और सारी सारी परेशानियां शनिदेव को सुनाएं, नित्य प्रतिदिन एक नियम पालन करें कि एक कटोरी में थोड़ा सा तेल लें, उसमें चेहरा देखें, जितनी तकलीफ़ हमें हो रही है उन तकलीफ़ से मुक्ति की कामना ये बोलकर करें कि मेरे जिस पिछले जन्म के कर्म के नाम से ये सब तकलीफ़ मुझे हो रही है, जो भी व्यक्ति, जो भी विषय मुझे परेशान कर रहा है, वो निश्चित रूप से मेरे ही कर्म का भोग है, मुझे उसका प्रायश्चित करना है और उससे मुक्ति पाना है, इसलिए मुझे ये तेल की जोत जलानी है। और प्रार्थना करके उस तेल को, जिसमें चेहरा देखकर हमने प्रार्थना की होती है, प्रतिदिन दीपक जलाने में काम में लाएं। प्रतिदिन दीपक उसी तेल का जलाएं, किसी और तेल का ना जलाएं। ये क्रम लंबे समय तक चलना चाहिए। फिर वही बात सामने आती है इसी दूसरे उपाय के लिए। यदि हमने पहचान लिया है कि हम पर शनि प्रकोप है, तो किसी एक उपाय के लिए हम मौन धारण करें, तो किसी दूसरे उपाय के लिए ये तेल की जोत, शनि नाम की जोत, प्रायश्चित विधान की जोत, पूर्व जन्म के कष्टों से निदान की जोत जलाना प्रारंभ कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपने पहचाना कि हम पर शनि का प्रकोप है या नहीं है और किस तरीके से हम इसका रास्ता खोज सकते हैं। यदि पति पत्नी के बीच में कोई तलाक की बातें चल रही हैं, तो आपको समझना होगा कि निश्चित रूप से शनि की पीड़ा ही तलाक तक पहुंचा सकती है, और शनि प्रकोप से मुक्ति होने पर वही व्यक्ति दोनों प्रेम से रहना भी प्रारंभ कर लेते हैं, तलाक के केस भी खत्म हो जाते हैं। अब हम आते हैं किस पर शनि कृपा है। आप कैसे पहचानेंगे कि अमुक व्यक्ति पर शनि कृपा है या आप पर शनि कृपा है? इसकी पहचान भी आपको स्वयं को ही करनी होगी। यदि मान लीजिए हर बार कोई ना कोई घटना होने वाली होती है और होते होते टल जाती है, आपको वह बाल बाल बचा देती है, इसका मतलब यह है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा बलवान है शनिदेव, जो आरोग्य और आयुष दाता है, वो आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन पर भरोसा रखिए, आपकी जिंदगी पर उनकी बड़ी कृपा बनी हुई है। इसी तरीके से यदि कोई चीज़ आपको प्राप्त करने के लिए प्रयास करने पर भी प्राप्त नहीं हुई थी, आपको
उस चीज़ को पाने की चाह थी, पर जब आपने प्रयास किया तो आपको वो नहीं मिली। पर ईश्वर ने प्रकृति प्रदत्त एक अवसर ऐसा दिया कि वो सपना आपका पूरा हो गया, जो सोचा था वो आपको मिल गया। तो आप समझ जाइए आपके ऊपर शनिदेव जी की बड़ी कृपा है। इसी तरीके से आपके घर में वो सारा सुख वैभव संपत्ति है जो कभी नहीं था। जिंदगी विपन्नता से प्रारंभ हुई थी, अभावों से प्रारंभ हुई थी, पर आपने अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से, आपने अपने द्वारा किए गए तप से, बल से सब कुछ हासिल कर लिया और आज आप उन सारी सुविधाओं को उपभोग कर रहे हैं जिनके लिए लोग तरस रहे हैं, या जो सबको हासिल नहीं होती हैं। तो समझ जाइए कि आप पर शनिदेव जी की बड़ी कृपा है। आप यदि अपने खुद के घर में रहते हैं, आप यदि खुद के वाहन का उपयोग करते हैं, आपको यदि संतान सुख परमात्मा ने दिया है, आप यदि सुखद ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, आप यदि धर्म के मार्ग पर चलकर संस्कारवान जीवन जी रहे हैं, आपको किसी अच्छे सदगुरु ने शरण दे रखी है, आपके माता पिता आपको सहयोग कर रहे हैं, आपकी यदि बच्चे आज्ञाकारी हैं, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर में शनिदेव की बड़ी कृपा है। इस तरीके से और देखिए, यदि किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्ट कचहरी का मुकदमा आपके ऊपर नहीं है, तो समझ जाइए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन पर शनिदेव जी बड़े प्रसन्न हैं। यदि कोई भी व्यक्ति आपको धोखा नहीं देता है, आपको साथ देता है, तो समझ जाइए कि लोगों का साथ हमें तभी मिलता है, लोग हमारा सहयोग हमें तभी देते हैं जब हम पर शनिदेव जी प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में, दैनिक जीवन में आय के स्रोत बंद नहीं हुए हैं, आप अपने घर चलाने के लिए आमदनी बराबर प्राप्त कर रहे हैं, किसी से ऋण लेकर घर नहीं चलाना पड़ रहा है, उधारी लेकर आप घर नहीं चला रहे हैं, आपको रोजी रोटी जो अति आवश्यक है वो समय पर मिल रही है, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर शनिदेव जी की बड़ी कृपा है। आपको रात को नींद बड़ी अच्छी आती है, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर में शनिदेव की बड़ी कृपा है। यदि आपके ऊपर शनिदेव की बड़ी कृपा है, तो आपको चाहिए कि शनि कृपा को जाने ना दें, आपको चाहिए कि शनि कृपा को आप संभाल कर रखें। आपके जीवन में शनि कृपा को संभाल कर रखने के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, आपको जैसे पिछली बार आपने सुना कि हम धर्म के चार चरणों को पकड़ कर रखेंगे तो कभी भी शनिदेव रूठ कर नहीं जाएंगे, कृपा हमसे रूठेगी नहीं। पहला सत्य भाषण, दूसरा सबको क्षमा करना, तीसरा वाणी का भी तप, शरीर का भी तप, मन से भी तप, और चौथा हमें हमारे जीवन में करुणा और दया के साथ में सबको दृष्टि से देखना है, सब पर करुणा और दया बनाकर चलना है। बस इतना ही यदि आपने अपने जीवन के संस्कारों में शामिल कर लिया, ढाल लिया, तो निश्चित रूप से शनिदी भगवान शनिदेव शनि जी सदा आप पर प्रसन्न रहेंगे। अब हम आते हैं अगले विषय पर, रोहिणी शकट भेदन क्या है। रोहिणी शकट भेदन का प्रसंग, रोहिणी एक नक्षत्र का नाम है। कृतिका नक्षत्र के अंतिम चरण में जब शनिदेव आते हैं तो बाद में उनका रोहिणी में प्रवेश होता है। रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा के इस रोहिणी नक्षत्र में जब शनिदेव प्रवेश करते हैं तब ये माना गया है कि बहुत कष्ट दुनिया को सहने पड़ते हैं, प्राणी मात्र का जीवन जीना दूभर हो जाता है। रोहिणी नक्षत्र में जाना
कष्टदायी भय प्रदान करने वाला और 12 वर्ष तक दुखदायी अकाल देने वाला होता है। एक बार ऐसा ही कुछ होने वाला था जिस समय राजा दशरथ महाराज हुआ करते थे। बात उस समय की है जिस समय राजा दशरथ का राज अयोध्या में हुआ करता था। गुरु वशिष्ठ जी उनके प्रमुख गुरु हुआ करते थे। तब उस समय जैसे कि सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, उस त्रेता युग की ये कहानी है जिस युग में भगवान राम ने जन्म लिया था। भगवान राम के जन्म के पहले जब ऋषियों ने देखा कि कृतिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनिदेव पहुंच गए हैं, कुछ दिनों बाद रोहिणी शकट भेदन होने वाला है, रोहिणी नक्षत्र में शनिदेव का प्रवेश होगा और रोहिणी नक्षत्र में यदि शनिदेव का प्रवेश होगा तब बहुत दुखदायी स्थिति होगी और इसके बुरे प्रभाव से ब्रह्मा जी इंद्रादि देवता भी रक्षा नहीं कर पाएंगे, वे भी इसके प्रभाव से रक्षा करने में असमर्थ हैं। ऐसी वार्तालाप वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि कर रहे थे। उन्होंने एक योजना बनाई, हम अपनी बात राजा दशरथ से कहते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। राजा दशरथ के दरबार में सारे ऋषिगण पहुँचे। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि देखिए महाराज, ऐसा होने वाला है, रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होने पर 12 साल का अकाल आ सकता है और सारी जनता, सारा राष्ट्र, सारा क्षेत्र बहुत संकट में आ सकता है। आप बताइए, आप जगत पालक हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। राजा दशरथ सोचने लगे, प्रजा है तो मैं हूँ, प्राणी मात्र पर दया करना और प्राणी मात्र की मदद अपने जीवन में करते रहना, यही तो राजा का कर्तव्य है। राजा दशरथ ने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपने जीवन में मेरे जीते जी शनिदेव को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश नहीं करने दूंगा। मैं प्रयास करूँगा कि किसी भी तरीके से शनिदेव का यह रोहिणी शकट भेदन रुक जाए और किसी भी प्राणी को इतने दुखदायी संकट का सामना ना करना पड़े। राजा दशरथ ने कहा कि मेरे जीते जी मैं पूरा प्रयास करूँगा कि शनिदेव आगे मेरी बात सुने, मेरी प्रार्थना सुने और रोहिणी शकट भेदन ना करें। किसी को भी थोड़ा भी यकीन नहीं था कि ऐसा भी कोई चमत्कार हो सकता है। राजा दशरथ का वचन तो बहुत ही मान्य था, सबको भरोसा था कि राजा दशरथ वचन के बहुत पक्के हैं। पर सभी ने राजा दशरथ से कहा कि शनिदेव बिल्कुल यह रोहिणी शकट भेदन नहीं छोड़ने वाले। जब पिपला दिन ऋषि का जन्म हुआ था तब भी 12 साल का अकाल आया था, तब भी ये परिस्थितियां पैदा हुई थी। राजा दशरथ ने तैयारी की, चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में जाने की। वे चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में रोहिणी नक्षत्र के पीछे रथ को रोककर खड़े हो गए और शनिदेव के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही शनिदेव जी रोहिणी नक्षत्र की ओर आए, वैसे ही राजा दशरथ ने प्रार्थनाएं की, कहा कि हे शनि महाराज, दया करें सारे मानवों पर, सारे प्राणियों पर आप दया करें। वे जिस प्रकार से भी स्तुति कर सकते थे उन्होंने हर प्रकार से स्तुति की, यहाँ तक कि पिपलादेन ऋषि के लिखे हुए 10 नामों से भी उनकी स्तुति की, जिनके बारे में शनिदेव ने कहा था कि जो भी ऋषिवर इन मंत्रों का पाठ करेगा, तुम्हारे द्वारा लिखे गए इन 10 नामों को जो भी जाप करेगा उन पर शनिदेव जी कोई भी कष्ट नहीं देंगे, शनि की पीड़ा उनको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी।
तो राजा दशरथ ने उन 10 नामों से भी शनिदेव की स्तुति की और कहा कि आप रोहिणी शकट भेदन ना करें। पर शनिदेव जी कहने लगे, आप समय की गति को कैसे रोक सकते हैं? मैं समय की चाल नहीं रोक सकता, मैं विधि के विधान को मोड़ नहीं सकता। मुझे तो मेरे क्रम विधि विधान में हर नक्षत्र में प्रवेश करना होता है। मैं रोहिणी शकट भेदन करूँगा ही, मैं रोहिणी में प्रवेश करूँगा ही। आप अपना हठ छोड़ दें, मैं किसी भी तरीके से आपकी यह स्तुति स्वीकार नहीं कर सकता। राजा दशरथ को लगा कि यह तो मुश्किल हो गया है, शनिदेव तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। तो राजा दशरथ के मुख से बहुत सारी स्तुतियाँ निकली। वे स्तुतियाँ संस्कृत में थीं। वे स्तुतियाँ इतनी लुभावनी और इतनी प्रभावशाली थीं कि शनिदेव जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि राजा दशरथ को स्तुति सुनने के बाद में मैं वरदान दूं या रोहिणी शकट भेदन में प्रवेश करूं या ना करूं। और शनिदेव की प्रार्थना इतनी मन से, इतने भाव से राजा दशरथ ने की कि उस स्तुति के आगे शनिदेव को झुकना पड़ा, प्रसन्न होना पड़ा, राजा दशरथ की बात माननी पड़ी। राजा दशरथ ने पहले तो शनिदेव से कहा कि यदि आप मेरी स्तुति स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपसे युद्ध करूँगा। मैं जानता हूँ कि आपसे युद्ध करना मेरे लिए क्या फल देगा, पर फिर भी मैं मेरे जीते जी शकट भेदन नहीं करने दूँगा। मैंने ये प्रजा को वचन दिया है, मैंने ऋषियों को वचन दिया है, इसलिए आप मेरे जीवन काल में ऐसा ना कर पाएंगे तो मुझसे आपको युद्ध भी करना होगा। और राजा दशरथ शनि के प्रभाव को जानकर भी उन्होंने धनुष बाण खींच लिया और कहा कि मैं भरपूर आपकी स्तुति कर रहा हूँ और भरपूर मैं प्रजा के हित के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ और शकट भेदन नहीं करें, ऐसी मेरी विनती है। और यदि आप युद्ध करना चाहते हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। शनिदेव जी सोचने लगे कि यह तो प्राण देकर भी प्रजा की रक्षा करने आए हैं और स्तुति इस तरीके से कर रहे हैं कि इनके जैसा कोई अनन्य भक्त नहीं। तो शनिदेव जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, राजा दशरथ, तुम सच में प्रजापालक हो जो आज परमार्थ के लिए, जन कल्याण के लिए यहाँ पर आज वह असंभव काम करने आए हो जो आज तक किसी ने संभव नहीं किया। और कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अब कभी भी कोई भी अकाल नहीं पड़ने दूंगा। तुम्हारे क्षेत्र में 12 साल तक कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा। लंबे समय तक, जब तक तुम्हारा वंश चलेगा, अकाल नहीं पड़ेगा। शनिदेव ने राजा दशरथ को जब कहा कि तुम्हारे जीवन काल में ही क्या, लंबे समय तक जब तक तुम्हारा वंश चलेगा अकाल नहीं पड़ेगा, तो दशरथ हैरान हो गए कि मेरे यहाँ तो वंश चलाने वाला वंशज ही नहीं है। और शनि महाराज कह रहे हैं तुम्हारे वंश चलने तक कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। तो सोचने लगे, इसका मतलब यह है कि शनिदेव ये वरदान दे रहे हैं कि जरूर मुझे मेरे जीवन काल में वंशज प्राप्त होगा, मेरे यहाँ कोई संतान होगी जो मेरा वंश चलाएगी। शनिदेव अप्रत्यक्ष रूप से मुझे वो दे रहे हैं जो मुझे आज तक कभी भी किसी भी पूजा उपासना वंदना से नहीं मिला। दशरथ जी प्रार्थना करने लगे कि मेरे राज्य पर सदा आपकी कृपा बनी रहे और आपने जो वरदान दिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। राजा दशरथ से ये सारी स्तुतियाँ और प्रार्थना सुनने के बाद में शनिदेव ने दशरथ से कहा कि जब तक सागर, चंद्रमा, सूर्य
और पृथ्वी इस संसार में है, तब तक मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर ऋणी शकट भेदन नहीं करूँगा। शनिदेव ने राजा दशरथ से कहा कि जो भी व्यक्ति अपने संकट काल में यह मेरी दशा, मेरी अंतरदशा, मेरी शनि की साढ़े साथी या ढैये की पीड़ा में अपने प्रारब्ध के कष्ट से मुक्ति पाने के लिए ये तुम्हारे द्वारा स्तुति किया गया, रचा गया दशरथ उवाच का पाठ करेगा, उससे मेरी अभिषेक पूजा स्तुति अनुष्ठान करेगा, मुझे याद करेगा, तो मैं उसके जीवन में भारी संकट से उसे मुक्ति दिलाने के लिए बाध्य रहूँगा, उसकी कामना पूरी होगी। तो वह अब दशरथ उवाच अब आपको मैं सुनाने जा रही हूँ, पाठ करने जा रही हूँ। दशरथ कृत श्री शनि स्त्रोत्तम। अस्य श्री शनेश्वर स्त्रोत्रस्य दशरथ ऋषि शनेश्चरो देवता त्रिष्टुप छंद शनेश्चर प्रीत्यर्थ जपे विनियोग। हाथ में जल लेकर अपना नाम गोत्र आदि बोलकर थोड़े से अक्षत लेकर भगवान से प्रार्थना करके हम अपनी मनोकामना के लिए यह संकल्प लेते हैं कि हम ये दशरथ उवाच किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाठ करने जा रहे हैं। कौणोंथ को रौद्रियमोथ बभ्रू कृष्णा शनि पिंगल मंद सौरी कृष्णा शनि पिंगल मंद सौरी नित्यम स्मृतो हरते च पीड़ा तस्मै नमः श्री रविनंदनाय तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। राजा दशरथ ने कहा कि जो कौणंतक हैं, जिनको कौण और अंतक नाम से लोग जानते हैं, जिनका नाम रौद्र है, बभ्रू है, कृष्ण है, शनि है, पिंगल है, मंद है, सौरी, इन नामों से नित्य स्मरण करने से जो व्यक्ति अपनी जीवन में सुरक्षा पाता है, मैं उन शनिदेव को नमस्कार करता हूँ। इन नामों का पाठ करने वाले को जब शनि की पीड़ा नहीं लगती, ऐसा अपना प्रभाव देने वाले शनि महाराज को, रविनंदन शनि महाराज को मेरा नमस्कार है। सुरा सुराहा किम पुरुषोर गेंद्रा गंधर्व विद्याधर पन्नगाश्च गंधर्व विद्याधर पन्नगाश्च पीद्यन्ति सर्वेपि विषमस्तितेन तस्मै नमः श्री रविनंदनाय तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे किन्नर हो, चाहे सर्पराज हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे विद्याधर हो, बहुत ज्ञानी विद्वान व्यक्ति ही क्यों ना हो, पन्नग ये सभी व्यक्ति जब शनिदेव का विपरीत समय आता है तो उनको भी पीड़ा होती ही होती है। सभी पर शनिदेव अपना एक जैसा ही प्रभाव दिखाते हैं, अपना एक जैसा प्रभाव सभी पर दिखाने वाले ऐसे रविनंदन शनि महाराज को मेरा नमस्कार है। नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा बन्यास ये कीट पतंग भृंगा बन्यास ये कीट पतंग भृंगा पीद्यन्ति सर्वेपि विषमस्तितेन तस्मै नमः श्री रविनंदनाय तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। राजा, मनुष्य, सिंह, पशु और भी जो वनचर हैं, इनके अतिरिक्त कीड़े, पतंगे, भौरे, ये सभी श्री शनि के विपरीत होने पर पीड़ा पाते ही पाते हैं। सभी पर एक जैसा प्रभाव दिखाने वाले ऐसे रविनंदन शनि महाराज को मेरा प्रणाम है। देशास दुर्गाणि बनानी अत्र सेनानी वेशाः पूर्वपत्तनानि पीद्यन्ति सर्वेपि विषमस्तितेन तस्मै नमः श्री रविनंदनाय तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। जो देश है, किले हैं, वन हैं, सेनाएं हैं, नगर हैं, महानगर हैं, जितने भी ये भूखंड हैं, इन पर शनिदेव की विपरीत स्थिति होने पर उनको भी पीड़ा उठानी पड़ती है, ऐसे श्री रविनंदन को मैं नमस्कार करता हूँ। तिलैर बैमशी गुणान दाने
लोहेन नीलांबर दान तोवा पीड़यन्ति मंत्रे जिनिज्वासिरेचा तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। जो तिल का, उड़द का, जौ का, गुड़ का, अन्न का, लोहे का, नीले या काले वस्त्र का दान शनिवार के दिन करता है और आपके स्त्रोत के पाठ से आपको प्रसन्न कर लेता है और आप अति शीघ्र उससे प्रसन्न भी हो जाते हैं, मैं ऐसा प्रभाव दिखाने वाले रविनंदन शनि महाराज को प्रणाम करता हूँ। प्रयाग कूले यमुना तटे चा सरस्वती पुण्य जले गुहायाम यो योगिनो ध्यान गतोपि सूक्ष्म तस्मयी नमः श्री रविनंदनाय। तस्मयी नमः श्री रविनंदनाय। प्रयाग में, यमुना तट में, सरस्वती के पवित्र जल में या गुफा में, जो योगियों के योग में, ध्यानियों के ध्यान में भी सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में विराजमान है, मैं आध्यात्म अधिपति ऐसे रविनंदन शनि महाराज को नमस्कार करता हूँ। अन्य प्रदेशात स्वग्रह प्रविष्ट त्वस्तर सब नव नवर्यार सुखी सियात तत्देव नर्यार सुखी सियात ग्रहात यतो नया प्रियाते तस्मयी नमः श्री रविनंदनाय। तस्मयी नमः श्री रविनंदनाय। जो अन्य प्रदेश से हारा थका आकर अपने स्वगृह में प्रविष्ट करता है, शनिवार के दिन अपने घर में जो प्रवेश करता है, वह शनिदेव के प्रभाव से सदा सुखी रहता है और जो अपने घर के बाहर जाता है, वह भी शनिदेव के प्रभाव से जल्दी लौट कर नहीं आता। ऐसा प्रभाव दिखाने वाले ऐसे रविनंदन शनि महाराज को मैं नमस्कार करता हूँ। सृष्टा स्वयंभूर्वं त्र्यस्त त्राता हरीशो हरते पिनाकी एका त्रिधारी यजु साम मूर्ति है तस्मयी नमः श्री रविनंदनाय। यह श्री शनिदेव स्वयंभू हैं, तीनों लोकों के सृष्टिकर्ता और रक्षक हैं, विनाशक हैं और धनुषधारी हैं। ऐसे में शनि महाराज को, जो ऋग यजु तथा साम मूर्ति हैं, रविनंदन शनि महाराज को मैं नमस्कार करता हूँ। शन्यष्टकम् यः प्रयतः प्रयाते नित्यं सुपुत्रे पशुवान्धवैश्च पठेन्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्ता प्राप्तनोति निर्वाण पदं तदन्ते। श्री शनिदेव के पाठ श्लोकों को जो अपने पुत्र, पत्नी, बच्चों, बांधवों के साथ प्रतिदिन पढ़ता है, शनिवार के दिन पढ़ता है, वह इस लोक में सुख भोग प्राप्त कर अंत में मृत्यु के बाद निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है। कौणस्थ पिंगलो बभ्रु कृष्णो रौद्रांतको यमः सौरी शनिश्चरो मंद पिपला देन संस्तुता एतानि दस नामानि प्रातरुत्थाय पठेत शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। जैसा कि पिपला देन ऋषि ने आपकी तपस्या की, पीपल के नीचे बैठकर आपके दस नामों का पाठ किया, लिखा और लोगों को वो दस नाम दिए, आपने उनसे प्रसन्न होकर उनको ये वरदान दिया था कि जो भी मेरे इन दस नामों का मंत्र जाप सवेरे सवेरे सोकर उठते ही करेगा, उन पर जब शनिकृत पीड़ा आएगी तो मैं उन्हें कष्ट नहीं होने दूंगा। तो हे शनि महाराज, मैं आपके उन दस नामों का पाठ कर रहा हूँ, आपको मना रहा हूँ, आपकी स्तुति कर रहा हूँ कि आप प्रसन्न हो जाइए और आप प्रसन्न होकर ऋणी संकट भेदन मत कीजिए। आप जन कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, मुझे अभय दान दीजिए, मेरी जनता को, मेरी प्रजा को, मेरे राष्ट्र को, इस विश्व को अभय दान दीजिए, मेरी स्तुति स्वीकार कर लीजिए। इस तरीके से शनि महाराज को राजा दशरथ ने विभिन्न प्रकार से मनाया और यह संक्षिप्त में दशरथ उवाच की स्तुति आपको सुनाई गई
और इसका भावार्थ भी हिंदी में आपको सुनाया गया। यह दशरथ उवाच अपने आप में एक साधना बन गया, एक उपाय बन गया, एक शांति विधान बन गया, एक अनुष्ठान बन गया। तो आते हैं अब हम शांति विधान पर, यंत्र साधना पर, कि इस दशरथ उवाच से हम कैसे अनुष्ठान करें, कैसे यंत्र साधना करें और किस प्रकार से हम इसे अभिषेक करें। जब भी कभी किसी भी व्यक्ति को किसी भी भारी संकट से बाहर निकलना है तो वह अपने उस संकट से मुक्ति पाने के लिए शनिवार के शनिवार यह साधना करे जो आज आपको अभी शनि पुराण के अंतर्गत बताई जा रही है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति शनि की साढ़े साती में, शनि के ढैये में अशुभता को बदल कर शुभता को प्राप्त करना चाहता है, शनि की दशा को शुभफलकारी बनाना चाहता है, तो वह वर्ष में दो बार जब शनिश्चरी अमावस्या आती है तब यह विधि विधान अति आवश्यक रूप से करे या अपने जन्मदिन के दिन भी अति आवश्यक रूप से करे। इसके लिए हमें एक किसी मूर्ति की या किसी यंत्र की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास में कोई शनिदेव का यंत्र है, चाहे वह चांदी का है, सोने का है, लोहे का है या तांबे का है, उस यंत्र के ऊपर में तेतीसा यंत्र बना होता है या यंत्र के ऊपर में शनिदेव की कोई मूर्ति तस्वीर बनी होती है, या फिर हमारे पास में कोई भी शनिदेव जी की छोटी सी प्रतिमा है जो 6 इंच से छोटी होनी चाहिए, हम वह यंत्र या प्रतिमा एक ऐसे बड़े पात्र में रखते हैं जिस पात्र में तेल अभिषेक करने के बाद में अंदर ही रहे, बाहर ना गिरे। उस यंत्र को या उस प्रतिमा को आप पात्र में रखिए, आपका दिन निश्चित कीजिए और हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर संकल्प कीजिए और प्रतिमा के ऊपर में एक एक चम्मच तेल चढ़ाइए और यह स्त्रोत पाठ कीजिए। जहाँ जहाँ तस्मै नमः श्री रवि नंदनाय आए वहाँ दो बार बोलिए और एक अच्छी बड़ी चम्मच से दो बार शनिदेव जी को तेल अर्पण कीजिए। पूरा स्त्रोत पाठ करने के बाद में जब जो भी तेल आप अभिषेक के रूप में उनको अर्पण करते हैं, उस तेल को आपको अपने घर की ज्योत में जलाना है, इस प्रार्थना के साथ में कि जैसे जैसे ये ज्योत जलेगी वैसे वैसे आपका कष्ट टलता चला जाएगा। इस साधना से, मंत्र उच्चारण से, दशरथ उवाच पढ़ने से, प्रार्थना भगवान से करने से, अभिषेक कर लेने से आपको अपार शांति मिलेगी और आपको अति शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होने का संकेत भी मिल जाएगा। हम इसे संकल्प के अनुसार 9 शनिवार कर सकते हैं और 9 शनिवार को जब हम यह उपाय करेंगे तो दिन भी निश्चित होना चाहिए और वह उपाय खंडित बीच में नहीं होना चाहिए। शनिवार के शनिवार 9 शनिवार लगातार होना चाहिए, एक निश्चित समय पर ही होना चाहिए और जिस शनिवार को यह उपाय किया जाए उस शनिवार को एक समय भोजन का त्याग करके व्रत करना अनिवार्य होगा और जो भी ज्योत आपकी जलाई जाए वह शनिवार के दिन जिस दिन आपने उपाय किया है उस दिन कम से कम 8 घंटे से ज़्यादा वो ज्योत जलनी चाहिए या अखंड ज्योत की जगह दूसरे दिन की तरह जलना चाहिए। अखंड ज्योत जैसे जलती है उस तरह से उसे जलते रहना चाहिए और इतना उपाय विधि विधान करके आप शनिदेव को मना सकते हैं। इससे जो भी उपाय आगे हम सीखेंगे वो आप लगातार जब पुराण सुनते रहेंगे तो इससे संबंधित अनेक प्रकार के विधि विधान, विनियोग, विभिन्न न्यास आपको आगे सुनने का अवसर मिलेगा। जय शनिदेव।